पाकिस्तान क्रिकेट टीम भले ही आईसीसी टी20 विश्व कप से बाहर हो गई है, लेकिन उनके स्टार बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान के जज्बे की हर कोई तारीफ कर रहा है। रिजवान ने सेमीफाइनल मुकाबले से पहले हॉस्पिटल में टीम के लिए खेलने को लेकर जो जज्बा दिखाया, अब उसके बारे में भी पता चला है। दुबई के मिडियोर अस्पताल के डॉक्टर साहिर सैन लब्दीन ने बताया है कि वो रिजवान की इतनी तेज रिकवरी देख हैरान थे। आपको बता दें कि दुबई में रिजवान का इलाज करने वाले डॉक्टर साहिर भारतीय हैं। 11 नवंबर वाले मैच से पहले मोहम्मद रिजवान दुबई के अस्पताल में 36 घंटों के लिए भर्ती थे। उन्हें सीने में इन्फेक्शन था, जिसकी वजह से उन्हें आईसीयू में एडमिट करना पड़ा। मुकाबले से पहले 3-5 दिनों से उनके सीने में जकड़न की शिकायत थी। उन्हें बुखार और सर्दी भी थी। हाँ, लेकिन ऐसी हालत में भी वो लगातार टीम के लिए खेलने को लेकर बातें कर रहे थे। डॉक्टर साहिर ने अस्पताल में रिजवान से जुड़ी बहुत सी बातें बताईं। डॉक्टर साहिर ने बताया कि रिजवान अस्पताल में सिर्फ एक ही बात कह रहे थे। वो लगातार बोल रहे थे कि मुझे खेलना है, टीम के साथ रहना है। उन्होंने बताया कि रिजवान के अंदर अपनी टीम के लिए उस जरूरी नॉकआउट मैच में खेलने का जज्बा था। वो काफी मजबूत और आत्मविश्वास से भरा हुआ था। जिस तरह से उसने रिकवर किया, मैं खुद उससे हैरान हूँ। रिजवान की हालत इतनी खराब थी कि उन्हें अस्पताल में आईसीयू में भर्ती करना पड़ा। डॉक्टर ने बताया कि रिजवान को बहुत सारे इन्फेक्शंस थे। ऐसे में सेमीफाइनल से पहले इस तरह से रिकवर करना और फिट होना आश्चर्यजनक है। ऐसी स्थिति में किसी के लिए भी रिकवर करने में 5-7 दिन लग जाते हैं। डॉक्टर ने बताया कि रिजवान अस्पताल में इस विश्वास के साथ थे कि वो समय से ठीक होकर वापसी कर पाएंगे। डॉक्टर ने कहा, रिजवान काफी फोकस्ड दिख रहा था। उसका अल्लाह में विश्वास था। वो सिर्फ और सिर्फ सेमीफाइनल के बारे में ही सोच रहा था। साहिर ने बताया कि रिजवान लगभग 35 घंटों तक आईसीयू में रहे, लेकिन उनकी फिटनेस और बतौर स्पोर्ट्स पर्सन उनका जज्बा उन्हें जल्द से जल्द वापस ले आया। डॉक्टर साहिर ने कहा, स्पोर्ट्स इवेंट्स के दौरान अक्सर खिलाड़ी चोटों के साथ आते हैं, लेकिन ऐसा पहली बार था कि कोई खिलाड़ी इस तरह से इन्फेक्शन के साथ आया और इतनी तेजी से ठीक होकर लौट गया। उन्होंने ये भी कहा कि जब रिजवान रिकवर होने के बाद सेमीफाइनल में बड़े छक्के लगा रहा था, तो हम सभी काफी खुश थे, क्योंकि बीमारी से ठीक होने के बाद उसने जो ताकत हासिल की वो बेमिसाल है। डॉक्टर साहिर ने बताया कि रिजवान ने ठीक होकर लौटते हुए डॉक्टर्स का शुक्रिया अदा किया और अपनी जर्सी भी गिफ्ट की। रिजवान ने इसके बाद सेमीफाइनल में शानदार पारी खेली। हालांकि शानदार प्रदर्शन के बावजूद पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से 5 विकेट से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी विपिन ने। स्पोर्ट्स से जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए ललन टॉप स्पोर्ट्स को, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। शुक्रिया।